अच्छा ये निर्मल और मलिन मति क्या है? निर्मल मति और मलिन मति क्या है? निर्मल मति का मतलब है जिससे सब कुछ साफ दिखाई दे। ये तो आंखों का कमाल है। नहीं नहीं नहीं, मन का। आंखों से तो बहुत से लोगों को साफ दिखाई देता है, लेकिन केवल फिल्में दिखाई देती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंखों से केवल पिक्चर ही देखते रहते ठटरी के भरे। पर देखना क्या चाहिए? आंखों से देखना भगवान को चाहिए, कानों से सुनना भगवान की कथा को चाहिए। और हम लोग ठीक उल्टे हैं, आंखों से देखते हैं ढिसुम ढिसुम, और अंदर जाते ही एक दो दिनों की हालत इतनी बुरी हो गई अस्पताल गए। यहाँ पे वैसे फ्री सेवा दवाई दी जा रही है, ऐसी पीड़ा लगी। मैं पंडाल के अंदर निकले, हम भी बाहर ही आपको नजारे दिखा रहे। देखो एम्बुलेंस भी निकल गई, मरीज जा रहे हैं। चलिए जो लोग कहते थे भैया आप झूठ बोलते हो, महाराज जी झूठ बोलते हैं, आपको तो पता चल गया। भैया ठटरी मार देंगे हम लोग, आप आ जाओ लाइव में। जब मैं लाइव आता हूँ तब आपको, बागेश्वर धाम तो बहुत दूर है, आप लाइव में आ जाओ, तुम्हारी ठटरी मार देंगे। आपको पता है कितने लोगों की अब तक अर्जी लगा चुका हूँ मैं भी बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से। और आप 21 परिक्रमा करें, 21 बार पैसे करें, धाम की जा करें, आपकी अर्जी स्वीकार होगी। और कैसे कपड़े में अर्जी बांधने, क्या इच्छा है आपकी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँ। दरबार में धना धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें धनी हो जाओ। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, भारत की जय, माता की जय, गौ हत्या जय, गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जय। अंकल क्या कहना चाह रहे हो बोलो। इधर से थोड़ा साफ आ रहा है ना, इधर आ जाओ पीछे। माइक तो चाहिए कर दो, मैं माइक हटा रहे हो तो डर गया। बोलो बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोलो लेकिन चिल्ला।